रहा हूं कि हमारे दौर में एक एडवाइजर रहे हैं चंद रोज पहले, वो एनडीए के दफ्तर में गए, साथ एक सहाफी भी थे, और डीजी एनडीए को उन्होंने ऑफर की तो जो रिवराइज सोसाइटी है, पार्कव्यू सोसाइटी है, उसको रेगुलराइज कर दिया जाए और इसके बदले में उसको 50 करोड़ रुपया देते हैं एक सरकारी मुलाजम को। यह बात रिकॉर्ड पर है, अगर आप पूछना चाहें तो डीजी एनडीए को फोन करके पूछ लें कौन उनके दफ्तर में आया था, वो भी आपको पता चले। मुझे कहेंगे मैं आपको नाम बता देता हूं, बिल्कुल बता देता हूं। सो वहां से उन्हें रिजेक्शन हो गई, फिर उन्होंने कोई और जरिया अपनाने की कोशिश की और कोशिश की कि उसके जरिए कर लिया जाए, और इस रिश्वत को 4 गुना ज्यादा मल्टीप्लाई करके ऑफर किया गया कि जनाब आप इतने पैसे ले लें और हमारी सोसाइटी के जो मामला है वो सीधे कर दें। फिर सो मच सो कि इनके जो बिनोई साहब हैं उनका भी मुझे फोन आया किसी दोस्त के जरिए, और बड़े गिले शिकवे और बड़ी मोहब्बतें मेरे से बढ़ाने की कोशिश की कि आप हमारे अपने हैं वगैरह वगैरह। इन्हें ये नहीं पता था कि ये मियां से भी बात से बात कर रहे हैं। आगे चलकर मैं आपको बताता हूं जो मैंने पब्लिक के सामने, पाकिस्तानी अवाम के सामने, ओवरसीज पाकिस्तानियों के सामने जो मैं चीज रख रहा हूं, और मैं बार बार कह रहा हूं आज मेरी बात आप लिख लें। इस सोसाइटी के जरिए 250 से 300 अरब रुपए का चूना अवाम को लग चुका है, एक टका भी अवाम को नहीं मिलना। ये सारी जमीनें बैंक प्लाज हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं आपको तंबीह कर रहा हूं। आप मुझे कहेंगे जी आप तंबीह कर रहे हैं, आप तो हुकूमत है, मैं हुकूमत हूं, केस कोर्ट में, मेरी हद यहां पर खत्म हो जाती है। रिवरेज जो रुपए आम में इसको पार्कव्यू सोसाइटी कहा जाता है, जो कि नहीं है, मैं आज भी कह रहा हूं जो नहीं है, ये रिवर एज थी 765 कनाल के ऊपर, बस वही थी, उसके पास सारा ग्रीन एरिया है, सारा ग्रीन एरिया है। 2004 के मास्टर प्लान के मुताबिक उसके आगे एक ईंट भी लग सकती। मसूद ने 2010 में इसको खरीदा, 2012 के अंदर रिवाइज प्लान दिया और इसका कागज दिया है, ये कागज है, एनडीए को अप्लाई किया 3420 कनाल का कि हमें इसको बढ़ाने की इजाजत दी जाए फर्दर 765 के अलावा, ये कागज है, इसकी अप्रूवल रिजेक्ट हो गई। ये 21/6/2012 को किया इन्होंने, रिजेक्ट हो गई। फिर आगे क्या किया इन्होंने, फौरी तौर पर इन्होंने सिटी हाउसिंग के पास चले गए क्योंकि एपरेंट अथॉरिटी वो है, और वो केस 10 दिसंबर 2013 को वही है, वो भी रिजेक्ट हो कि ये हो ही नहीं सकती पास, मास्टर प्लान के तहत, और लोगों को उधर प्लाट इन्होंने बेचने शुरू कर दिए, और 15,000 से 16,000 प्लॉट उस जितनी जगह इनके पास है, जो कि वहां पे फसलों के अलावा कुछ नहीं हो सकता, जगह जितनी है उससे ज्यादा 15,000 से 16,000 प्लॉट इन्होंने एक्स्ट्रा बेच दिए और वहां खबर हो गया। 12 साल हो गए वहां, 12 साल। आगे जाके इनकी कारस्तानी में मजीद खोलता हूं ताकि आपको पता चले। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यह है कि मैं अपनी
बाहर पब्लिक को कह रहा है, गरीबों के लिए जिनकी जमा पूंजी होती है। आप में से कई दोस्त साथी मुझे मिलते हैं और कहते हैं हमारा प्लाट उतर है, हमें कुछ नहीं मिल रहा। मुझे कहते हैं, शिकायत करते हैं, हमें प्लाट नहीं मिल रहा, हमें ये नहीं हो रहा, हमारी सुनी नहीं जा रही, हमें कोई मिलता नहीं है, हम उधर कुछ नहीं कर सकते। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि ये 250 से 300 वादा था कि सारे पैसे यहां से इकट्ठे करो भाई, ले जो ये डिफॉल्ट कर दे, बैंक जाने उसका काम जाए। कोई एक गाड़ी मुझे बता दे रही है जो इनकी अपनी है, सब बैंक खुला था। अब जो मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बात कही वो ये कही कि स्टेट बैंक को पाकिस्तान का ये प्राइम ड्यूटी है कि वो चेक करे कि सिर्फ बैंक से इन्होंने कर्जा कितना लिया, एचबीएल से कर्जा कितना लिया, एचबीएल की जो रुदाद है वो अवाम जदियाम है वो सुन ले कि वो कर्जा किस तरह से लिया गया, 6000 रुपए का किसके नाम पे लिया गया, वो भी सुन ले जाके। स्टेट बैंक को पाकिस्तान से मैं कह रहा हूं कि सिल्क बैंक से जो 25-30 अरब रुपए का कर्जा है उसके बारे में पूछे और वो कर्जा है क्या, जमीन है विजन डेवलपर के नाम पे। मैंने लास्ट बार भी आपको थोड़ा बताने की कोशिश की, जमीन उसके नाम है, मकान आपके हैं, फर्ज करें आपको मकान मिला एक कागज के टुकड़े के ऊपर, फार्म के ऊपर, आप जमीन के मालिक नहीं है, जरा ध्यान में रखिएगा। आप सिर्फ कागज के तौर पर उस प्लॉट को लिया है और जमीन इन्हीं के नाम है, इनकी कंपनी का नाम है, कंपनी को ले जाके इन्होंने बैंक के पास जमीन दिखाई और उस जमीन के ऊपर कर्जा ले लिया। आज वहां पर जितने मकान है कोई खुद मालिक नहीं उस कागज के सिवा, क्या ये फ्रॉड नहीं, धोखा दही नहीं? तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है मुझे बता दिया जाए। और सिल्क बैंक का शोर सुना कि जिस सिल्क बैंक ले लिया वो डील नहीं, इन्होंने जल्दी जल्दी अखबार में इश्तेहार दिया ताकि इंप्रेशन दे, वो फिट एंड प्रॉपर टेस्ट होता है उसमें नहीं हो सके, इनकी डील वापस हो चुकी है, इनकी डील वापस हो चुकी है क्योंकि कर्जा इतना ज्यादा लिया हुआ था कि वो वापस जमा करवाना था, मैंने वो करवाया नहीं, डील वापस, बैंक के कर्जे उधर के उधर, ये मोजों में। अब मैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से कहता हूं कि खुदारा पब्लिक को ये तो बताएं कि विजन डेवलपर, पार्कव्यू सोसाइटी, रिवर रज, बाकी जितनी कंपनियां इनकी हैं उनके नाम पे कितने कर्जे लिए गए, जरा बता दें, पब्लिक क्वेश्चन आपसे, आप हमें बता दें। यानी कि बैंकों से भी कर्जे ले लिए, अवाम के जो फॉर्म इन्होंने बेचने थे फॉर्म के ऊपर वो भी रकम इकट्ठी कर ली, तो 250-300 अरब रुपया तो बन गया। उस 250-300 अरब रुपए का कोई वाली वारस नहीं है, वो वाली वारस कौन होगा? मैं आप साथियों से बात करता हूं, मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कहते हैं मियां जी मेरे सिस्टर का प्लाट है, मेरे भाई का प्लाट है, या मैंने लिया हुआ था, मेरा कुछ बना नहीं है, उसका कुछ नहीं बना। 765 कनाल के अलावा एक इंच जमीन के ऊपर कोई चीज नहीं बन सकती, ये कोई ऐसी चीज हो जाए रातों रात को हो जाए, अदरवाइज कुछ हो ही नहीं सकता। एक और मैं आपको चीज बताने लगा जो बड़ी बड़ी सोचने वाली आपके लिए और पब्लिक के लिए। इन्होंने डिफरेंट ब्लॉक्स बनाए ना, ट्यूलिप ब्लॉक हो गया, जैस्मीन ब्लॉक हो गया, फलाना ब्लॉक हो गया, जिनको डिफरेंट नाम इन्होंने नाम रखे, वो किया इन्होंने ये हुआ है कि एक जमीन का टुकड़ा लेते हैं, वो जराई है, उस पर नाम है राजा फार्म हाउस है, बकायदा है, ये नाम उधर है चौधरी फार्म हाउस, उसके ऊपर कोई 200-300 कनाल होगी, उसके ऊपर होगी, उस फार्म हाउस के अंदर उस ब्लॉक के प्लॉट काटते हैं। क्यों काटते हैं? ये टेक्निकल चीज है, इसलिए कि वो जरई जमीन ली,
जराई जमीन जो ली, उस जराई जमीन के ऊपर एक जराई ट्यूबवेल होता है जो पानी देता है जमीन को, उसका जो टैरिफ होता है वो हुकूमतें सब्सिडाइज करती हैं किसानों को। ये क्या करते हैं कि वो जराई जमीन के ऊपर जो ट्यूबवेल है वो अगर 50 केवीए का है तो उसको 200 केवीए का करवा दिया, 400 का करवा दिया, 300 का करवा दिया, जितना मर्जी करवा दिया। अब वो सब्सिडाइज बिजली जो के किसानों को जानी चाहिए ये अपने पास रखते हैं और लोगों को बिल जो है वो अपनी सोसाइटी के नाम से देते हैं। यानी कि अगर गवर्नमेंट का जरई टैरिफ जो है बिजली का वो फर्ज करें अज्यूम करें कि 12 रुपए, तो पब्लिक से ये 40 रुपए 35 रुपए चार्ज कर रहे हैं। आज तक फीडर नहीं लगा, फीडर सोसाइटी को कितना अर्सा हो गया, 2004 में 6 में बनी, अर्सा नहीं है। आज तक आरजी कनेक्शन के जरिए वहां पर बिजली चल रही है जो कि नहीं हो सकता। वो आरजी कनेक्शन कैसे मिला वो भी डिटेल आपको बता देता हूं। अब वो जो आरजी कनेक्शन है वो भी मौजूदा फेडरल हुकूमत के दिमाग में लगवा के दिया कैप्टन सफदर साहब। 2015 के अंदर एक डील के जरिए उससे क्या चीज ली गई थी वो चेक कर ले, रिकॉर्ड पे नहीं कर सकता। आरजी कनेक्शन कंस्ट्रक्शन हो रही हो तो आरजी कनेक्शन लगता है, उसके बाद एक परमानेंट कनेक्शन जो है उसके लिए अप्लाई किया जाता है। इन्होंने आज तक कुछ नहीं किया। मुझे बात बता दें कि वहां पर कितने किलोवाट कितने मेगावाट बिजली लेकर ये लोगों को दे रहे हैं। जरूरी जमीनों की बिजली है वो उसको कन्वर्ट कर रहे हैं उसमें और लेस्को चुप करके बैठा हुआ है। महीने का 3 से 4 करोड़ रुपए का तड़का जो है वो लेस्को का लग रहा है और बिजली चोरी होती है और साथ में गांव पे डाल दी जाती है बिजली के यूनिट और फिर बिल आते हैं। क्या इसको फ्रॉड नहीं?